अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। कैसे हो मेरे सब्सक्राइबर, कैसा चल रहा है आपके यहाँ का मौसम? हमारे यहाँ का मौसम तो माशाल्लाह से इतना अच्छा हो रहा है ना। बीच में ना एक दिन ना बहुत तेज़ धूप निकल रही थी, पर अभी तो इतना अच्छा हो गया, रात भर बारिश हुई है, एकदम ठंडा मौसम हो गया है। तो मुझे लग रहा है बहुत से लोगों ने तो शायद स्वेटर जो रख दिया होगा ना दोबारा निकाल भी लिया होगा, क्योंकि वाकई में मौसम ठंडा हो गया, लेकिन बहुत प्यारा मौसम हो गया है। और मैं जा रही हूँ अम्मी के घर पे जा रही हूँ, ऐसे ही कुछ काम था, और साथ घर पे सो रहा है क्योंकि इसकी स्कूल की छुट्टी है। मैंने अभी नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया है, अभी आके चाय वाय बनाऊँगी, आराम से नाश्ता करूँगी, पहले जो काम है वो काम कर लेती हूँ। मैं जल्दी आ गई घर पे, 5 मिनट में ही आ गई। मैं क्या बारिश तेज हो गई ना तो फिर अटक के रह जाऊँगी वहीं पर। साथ यहाँ पर है, इतनी मोटी मोटी बूंदें आ रही हैं, देखो अभी भी आपको शायद दिख नहीं रही होंगी, मोटी मोटी बूंदें आ रही हैं। अल्लाह, चलो चाय बनाते हैं, आज तो चाय पीने का मज़ा आ जाएगा भैया, दिल खुश हो जाएगा चाय पी के। आज मैंने तो चाय पी ली फ्रेंड, लेकिन जो आंटी है ना नीचे जिनके घर में मैं रेंट पर रहती हूँ, इस घर के मकान मालिक, अब उनका फ़ोन आया, वो बोलते हैं कि ना नीचे आ जाओ, नीचे आ गए ना साथ में नाश्ता करो, मतलब चाय पियो साथ में। अब मैंने पी तो ली है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब वो कर रही हैं कन्वेंस कि आ जाओ। मैं चलो ठीक है, तब मना करना भी अच्छा नहीं रहता है, तो बस आंटी के पास जाती हूँ थोड़ी देर बैठ के, फिर वापस आ जाऊँगी। एक वन पीस। साथ भी आ गया मेरे साथ में नाश्ता करने के लिए। वो कहते हैं ना गेहूं के साथ ना बथुए को भी पानी लग जाता है, तो गेहूं के साथ में बथुए को पानी लग रहा है। भी आ गई हमारी पहले भी जो मेरी थी ना। अरे हिंदुस्तानी के घर में मौसम देख के, बाल देखो मेरे, मौसम देख के है ना खाना बनता है। अरे आज तो मौसम ठंडा है, चलो चाय बना लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, आज तो मौसम बरसात का हो रहा है, भजिए बना लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने सोचा बरसात हो रही है, मौसम भी अच्छा हो गया है, खैर अभी तो न्यूटी लगे, हाँ ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ना आलू के पराठे बनाती हूँ। आलू तो मैंने बॉयल कर लिए, फिर मैंने सोचा अकेले ही खाना तो क्या खाना, सबका खाने का मज़ा तो आलू के पराठे भजिए सबके साथ में आते हैं। तो मैं अपने जो मैंने आलू बॉयल किए ना, आलू ना बहुत छोटे थे घर पर, आज बड़े आलू के वजह पराठे बनते हैं। पर मैं इस एक मिनट, पापा का फोन आ रहा था, उनको किसी का नंबर चाहिए था लेकिन उनको मिल गया क्योंकि वो बाजार गए ना। तो और हाँ, तो मैंने सोचा चलो छोटे आलू हैं, इनको ही मैंने बॉईल कर लिया, इसी के पराठे बनाएंगे। तो मैं जा रही हूँ अम्मी के घर पे, वहाँ पे बनाती हूँ गरम गरम आलू के पराठे और खाती हूँ, अम्मी को भी खिलाती हूँ अपने हाथ से बना के। तो चलो चलते हैं। यहाँ दुकान का सामान आया था, मतलब चिप्स कुरकुरे वगैरह जो भी जितना भी चटर पटर सामान होता है ना वो आया था। तो वो अम्मी आने से, जब सामान आता है तो सामान को काउंट करना पड़ता है कि चिप्स के पैकेट कितने हैं, कुरकुरे के पैकेट कितने, तो वो सब अम्मी कर रही थी। अब मैं भी अम्मी के साथ में हेल्प कर रही थी, सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं सामान लेने के बाद, तो मैंने सिग्नेचर किया और अम्मी इसको चिल्ला रही थी गलत सामान लेके। खा लिया आलू के पराठे, कैसे बने अम्मी? अच्छे लग रहे हैं, पेट भर गया। पहले मैं खा लूँ, और अब पहले मैंने अम्मी को दिया और अब मैं खा रही हूँ अचार के साथ में घी लगा के। और अम्मी तो बोल रही है बहुत अच्छे बने आलू के पराठे, तो कैसे भी बना लो सिंपल सादा फ्रेंड अच्छी बनते हैं। अब साहिबा साथ रह गया है, तो अभी मैं पहले मैं खा के फिर उनके लिए बनाऊंगी। अम्मी के ग्राहक भी आ रहे हैं, मैं खा भी रही हूँ, हाथ गर्म हो रहा है मेरा, खा लेती हूँ फिर बात करती हूँ। माशाल्लाह से इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बंदर नहीं आ जाए, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। आ सकता है बंदर बच्चे। चलो भैया मैं जा रही हूँ टेलर के कपड़े डालने के लिए। साथ आ रहा है, सो गई थी मैं शाम के टाइम, तो मौसम ठंडा ठंडा सा हो रहा था, फिर कम्बल ओढ़ा मैं सो गई, अभी सो के उठी हूँ, साथ को मैगी बना के दिए, दूध गर्म करके रखी हूँ, खाना भी आके बनाऊंगी, और मैंने सोचा कपड़े डाल के आ जाती हूँ तो फिर ना सिलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अब डालने जा रही हूँ। नीचे सिल गई, सुखड़ जा गई, एक सुखड़ नहीं मैं लंबा सिल गई, तो मैं भी पूरे डाल दूंगी सभी डाल दूंगी, फिर तो मैं पीको भी ले लूंगा, मैं कहीं रोज रोज ले लूंगी। तो जैसे लंबा सिल हुआ ना वैसे लंबा सीना नहीं वो तो पट्टी कट जाती है। अरे इधर लगा देगा,
पट्टी सामने लगा ले जी, नीचे सही है नहीं, इससे भी नीचे सीना पूरे कर दे, पूरे कर देना, नहीं और नीचे हो जाएगा इससे थोड़ा बहुत, हाँ सुखड़ेगा ना ये, हाँ बराबर करना पड़ेगा ना, हाँ तू देख लेना, मतलब ये तो छोटा निकलना, काट ही मत ही नीचे जाएगा अभी, अभी चले ये भी जा रही है, ये तो पटका एक जिला ला भाई, सोले भी चला रहा सूट, कह रहे तुम खिलतू वाला एक कलर पूरी सलवार सी था, देख ऐसे गला बना भाई, हाँ बना देंगे पट्टी लगा देंगे पूरी, पट्टी लगा देंगे चाहो, नहीं ज्यादा लंबी मत, छोटा सा ही नीचे तक, इसी तो पैंट है जी, सलवार से लॉन्ग सलवार है, कपड़ा लगा भाई, हाँ इसकी सलवार है, उसकी क्या सिलवाए, टाइप तो लगा देना, उसकी सलवार क्योंकि रमजान है ना, हाँ नहीं सलवार मेरी 39 है, 39 सीना से ज्यादा मसीना, क्योंकि कपड़ा लटकना लगा भाई, लटकना है, हाँ इसे और ज्यादा लंबी, यहाँ पर मैं गूंद रही हूँ आटा, वो भी अभी के लिए नहीं गूंद रही मैं गूंद रही हूँ, एक हाथ से गूंद रही हूँ, मैं गूंद रही हूँ सुबह के लिए, क्योंकि ना सुबह सुबह ना जब मुझे पराठे खाने होते हैं, मैं पराठे या कुछ भी ऐसा, तो आटा गूंदूंगा होता है ना, तो ऐसा लगता है चलो जल्दी से बना लो, वरना फिर आलस आता है बनाने में खाने में, तो ये सुबह के लिए आटा गूंद रही हूँ मैं, और अभी के लिए तो मैं बना रही हूँ मसाले वाली खिचड़ी, और ना साथ का खिचड़ी खाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है, वैसे तो उसको पसंद है, मुझसे कह रहा है मम्मा आज कुछ चिकन मटर बना लेते, और बाकी में मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था आज के, मेरे को ना और घर में गोश्त रखा हुआ भी है, तो मेरे को आलू गोश्त या कुछ भी सब्जी वगैरह डाल के बनाना चाहिए था, लेकिन दिमाग से उतर गया, खैर कोई नहीं चलो कल बना लेंगे, कल भी अगर मौसम ऐसा ही रहा तो, दोपहर में तो आलू के पराठे खा लिए थे, तो अभी मैं आटा गूंद के सुबह के लिए लगा रही हूँ, और मसाले वाली खिचड़ी बना के अचार से खाएंगे, कोई नहीं खाने का तो रोज़ का ही टेंशन रहता है ना, कल बना लेंगे गोश्त क्या हो गया, चलो पहले मैं आटा गूंदती हूँ। बाहर किसी की बारात चल रही है, ढोलों की आवाज़ आ रही है, और बारिश भी हो रही है, और हमारी गरम गरम खिचड़ी तैयार है विद अचार के साथ में, किसी की बारात है, बारिश में किसकी बारात होगी, ढोलों की आवाज़ आ रही है ना। कल मैंने यही टाइम पे ब्लॉग स्टार्ट किया था जब मैं खिचड़ी खा रही थी, आज दूसरा दिन हो गया है फ्रेंड, यही टाइम पे मैं ब्लॉग स्टार्ट कराया, पर मैंने खाना खा चुकी हूँ, पालक गोश्त सॉरी गाजर गोश्त बनाया था और बहुत टेस्टी बना था, ब्लॉग इसलिए नहीं बन रहा है ज़्यादा, मैं आपके संग ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब चल रही हूँ, बहुत कुछ पर्सनल लाइफ में उथल पुथल हो रहा है, और ऐसे ऐसा कुछ हो रहा है जो मैं आपके संग शेयर भी नहीं कर सकती हूँ, तो कहते हैं ना बस अरे शादी हो गई है इनका इसकी, अब मतलब अभी हमारी लाइफ में इसका इंटरफेयर नहीं कर सकते, या हम घर किसी की लाइफ को देखो ऐसा मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ अपने बच्चे की लाइफ अपने हस्बैंड की लाइफ आपके संग शेयर कर सकती हूँ, उसके अलावा मुझे किसी की लाइफ अधिकार नहीं है कि मैं किसी की लाइफ पर्सनल लाइफ को ऐसे आपके संग में शेयर करूं, तो बस थोड़ा सा उसके चक्कर में थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो रखा था फ्रेंड, बस आप दुआ करो, आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है, जो भी कुछ चल रहा है लाइफ में, जो भी कुछ डिस्टर्ब हो रहा है इस वक्त, ख़राब चल रहा है माहौल घर का, तो वो मेरी अम्मी के घर का माहौल जो ख़राब चल रहा है, वो दुआ करो सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और सब चीज़ नॉर्मल हो जाती है, बस कुछ हमें सब्र और थोड़ा सा वक्त की ज़रूरत पड़ती है, देखो किसी के कहने से सब्र नहीं आता, और किसी की तसल्ली देने से मन को तसल्ली नहीं मिलती है, लेकिन जो वक्त होता है ना, ये एक दिन दो दिन तीन दिन, ये दिन ऐसे 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 जब बीतते जाते हैं ना, तो वो जो गम वो जो परेशानी होती है ना, अपने आप ही अल्लाह कुदरती उसको ठीक 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 करता रहता है, कर देता है अल्लाह, क्योंकि बस किसी के कहने से तो कुछ नहीं होता, हाँ वक्त वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है फ्रेंड, जब मेरे संग भी कुछ बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, जब लोग मेरे संग मेरे पीठ पीछे जब मेरी बुराई करते हैं, और उस चीज़ के बारे में जब मुझे पता चल जाता है कि लोग मुझे बुराई कर रहे हैं, मैं इस बारे में खुल के बात कर सकती हूँ कि ये मेरी बात है, मैं देखो किसी और की बात नहीं शेयर कर सकती हूँ, मैं पहले भी बोली आपको, हाँ ये मेरी बात है, जब लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं गलत बोलते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ सब्र करती हूँ, अल्लाह को अपने दिल का हाल बताती हूँ, उसको तो खैर सब पता लेकिन फिर भी बताती हूँ, और थोड़ा थोड़ा एक दो दिन जाने देती हूँ, फिर धीरे 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 सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन हाँ जिस दिन ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो उस दिन बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, और ऐसा लगता भी है कि हम लोगों के संग पता है फ्रेंड कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन जिस इंसान को कभी किसी को भी इंसान को मैं आपकी लाइफ में भी हो सकता है, जब किसी इंसान को हमें हमारे ऊपर बुराई देनी होगी या हमें बुरा ठहराना होगा ना, वो हमको किसी भी वजह से बुरा ठहराएगा, वो हमको किसी भी वजह से गलत बोलेगा, क्योंकि उसको हमको गलत बोलना है या हमें उसको हमको गलत ठहराना है, तो उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है,
वो किसी रीजन गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, लेकिन उसको गलत बोलना है तो बोलेगा। तो किसी किसी के लिए आप कितना भी कर लो, कितना भी आप उसको सपोर्ट करो किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन कहते हैं ना कि ये दुनिया है, ये लोगों मतलब भरी लोग दुनिया, मतलब लोगों से ये दुनिया भरी हुई है फ्रेंड। और मेरे पास तो बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो सिर्फ मतलब ही हैं और सच बोलने वाले, हक की बात करने वाले नहीं है, बस पीठ पीछे बुद्र 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 करते रहते हैं फ्रेंड। तो ऐसे लोगों को तो बस क्या ही बोले, बस अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है, सब्र करते हैं और क्या कर सकते हैं। दुनिया है ना फ्रेंड, तो क्या बोले, लेकिन दिल दुखता है, बुरा लगता है जब अपने ही लोग होते हैं जो ऐसा होता है ना फ्रेंड। तो इंसान ना अपने जो सोचता है कि है ना, एक चीज़ इंसान ये नहीं सोचता कि वो ना उसके हिसाब से क्यों सोचेगा इंसान। तुम्हारा माइंड अलग है, ऐसे दो भाई हैं या तीन भाई हैं या चार भाई हैं, सबके अपने 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 अलग अलग दिमाग होते हैं। तो कोई एक भाई ये कैसे सोच सकता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे तू भी सोच, जैसे अब जो चीज़ मुझे सही लग रही है वो तुझे भी सही लगे। हर किसी का देखो अच्छा बुरा वक्त होता है, हर किसी की अच्छी बुरी सोच होती है, लेकिन वो उसकी खुद की सोच हो सकती है। आप किसी को समझा सकते हो अपने तरीके से, लेकिन ये इंसान फ़र्क होता है। बस मैं ये क्या बोलूँ, मैं क्या ही बोलना चाह रही हूँ आपसे फ्रेंड, मैं चाह रही हूँ मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, बस कुछ जाने देते हैं फ्रेंड। चलो अल्लाह पे छोड़ देते हैं और सब्र करते हैं, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बस आप ये समझो आपके आसपास लोग, घर के लोग, आपके भाई बहन होंगे ना, देखो फ्रेंड सब अपने दिमाग लेके पैदा होते हैं। अल्लाह एक ही माँ के पेट से बच्चों को जन्म देता है, भले से मतलब एक ही माँ के पेट से अपन जन्म लेते हैं, पाँच बच्चे छः बच्चे अपने बहन भाई पाँच है कोई छः है, तो हर किसी हर इंसान हर भाई हर बहन अपना अलग माइंड सेट लेके पैदा होते हैं। तो आप ये मत बोला करो कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे तू भी सोच, जो मुझे सही लग रहा है वो तुझे भी सही लगे, मुझे काला रंग पसंद है तो तू भी काले कपड़े पहन, मुझे खाने में गोश्त पसंद है तू भी गोश्त का, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता फ्रेंड। तो आप कुछ उसकी समझो, कुछ अपनी उसको बताओ, ऐसे कहानियाँ चलती हैं सारी की सारी। आप बड़ापन होकर सब कुछ उसके ऊपर थोप नहीं सकते कि मैं घर का बड़ा हूँ तो मैं सही हूँ, ऐसा नहीं होता। बड़ा बनने के लिए छोटों को अपने करीब लाना पड़ता है, छोटों के संग अटैच रहना पड़ता है, तो बड़े वो आपको बड़े वाली इज्जत देंगे। हाँ डर के और सिर्फ ऐसे रिश्ते निभा के अगर आपको बड़ी वाली इज्जत चाहिए तो फ्रेंड वो फिर खोखली इज्जत होती है। अगर आपको बाकी में चाहते हो कि हम बड़े या हमारी बाकी में वो रिस्पेक्ट हो, तो फिर आपको छोटों को समझना पड़ेगा ये ऐसा क्यों है, या अगर इसकी ऐसी प्रॉब्लम क्या है उसको समझना पड़ेगा। आप उसकी प्रॉब्लम को समझो, उसकी बात को समझो, उसकी सोच को भी थोड़ा समझो, फिर अपनी बोलो कि नहीं तो ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है, तो ही रिश्ते बनते हैं। इंसान ये सोचे कि मैं बड़ा हूँ, मैं अपनी सोच छोटों पर डाल सकता हूँ, मेरा हक है, कुछ हक नहीं काम नहीं करता जब तक कि आप उसको नहीं समझोगे, चाहे वो आपकी खुद की औलाद हो, खुद के भाई बहन हो, कुछ भी कोई भी रिश्ता हो सकता है। आपको समझना भी पड़ेगा जब ये आप सामने वाला आपको समझेगा। आप ये मत समझो कि वही समझे वही समझे वही समझे, नहीं आप गलत हो। ऐसे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, दिलों में दूरी आ जाएंगी और बहुत कुछ हो जाता है फ्रेंड। बहुत बहुत ज़्यादा कुछ रिश्ते इस हद तक पहुँच जाते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो मैं सही हूँ, तू छोटा है तो तू गलत है। तू अपनी बीवी की बात मानता है तो तू गलत है, बीवी की बात मानने वाला इंसान गलत ठहरा देते हैं। तू बीवी की सुनता है तो तू गलत है, ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। इंशाल्लाह आगे टॉपिक पर बात करूँगी क्योंकि मुझे खुल के बात करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात करने में बहुत मज़ा आता है। साथ सो रहा है, साथ को नींद आ रही है क्योंकि साथ बहुत जल्दी उठ गया था और पढ़ाई भी कर रहा था। खैर इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ में मिलूंगी। और देखो ब्लॉगिंग करने का मतलब यही नहीं होता कि ना सिर्फ मैं बाज़ार जा रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, कपड़े ला रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, बहुत सारी दिल की बातें भी होती हैं, मुझे लग रहा है वो भी शेयर करना चाहिए। यही तो कनेक्शन होता है फ्रेंड, ये इसको कनेक्शन बोलते हैं। भले से मेरे सब्सक्राइबर कम है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो रहा है, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, लेकिन जब मुझे कोई मंच मिला है, कोई मुझे चैनल मिला है जहाँ मैं अपनी दिल की बात कर सकती हूँ, तो मैं बिंदास करूँगी और कभी भी करूँगी फ्रेंड आपसे, क्योंकि मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे सुनने वाले समझने वाले, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपकी भी सुनूंगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मुझे कोई आपके कमेंट अच्छे बुरे खराब नहीं लगते, मैं सोचती हूँ आपने मुझे जो लिखा है वो आपकी समझ है, तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और मुझे प्लीज़ कमेंट करना, और बस रिश्तों को निभाना है तो थोड़ा सा झुकना, सामने वाले को समझना, इसकी भी पसंद नापसंद का मुझे ख्याल रखना पड़ता है, तो ये मेरी भी पसंद नापसंद का ख्याल रखेगा। मैं बोलूँगी मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है, तू गलत है, मैं सही हूँ, ऐसा नहीं होता है। बच्चे भी सही होते हैं और कभी कभी माँ बाप भी गलत होते हैं।
तो माँ बाप हमेशा सही नहीं होते, बस यही है। चलो कल मिलती हूँ, नहीं नहीं इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। बस दुआ करना, दुआ की गुजारिश है आपसे, और आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड। पता नहीं कब किसकी दुआ लग जाए कि जो भी माहौल थोड़ा सा ख़राब चल रहा है वो अच्छा हो जाए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना और बस रिश्ते निभाने तो सब समझ के चलना फ्रेंड, आपसे रिश्ते कभी भी दूर नहीं जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।